पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही लखनऊ विश्वविद्यालय अपने स्वर्णिम वर्ष में है और 100 साल पूरे करने वाला है, जिसको लेकर एलयू में आज से शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कैसा रहा समारोह का पहला दिन, इस रिपोर्ट में देखिए। अब लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एलयू अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय देश का 10वां विश्वविद्यालय बन गया है, जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। एलयू की इस उपलब्धि को और भी शानदार और यादगार बनाने के लिए विश्वविद्यालय में शताब्दी वर्ष समारोह की आज से शुरुआत हो गई। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश के जाने माने फिल्मी जगत के कलाकार और खिलाड़ी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह का उद्घाटन किया और एलयू के स्वर्णिम इतिहास का बखान भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो कार्य इसके सामने किया बहुत सराहनीय पहल थी। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से नई नई चीजें देखने को मिली, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। ये चीजें इस बात को बताती हैं कि जितना विस्तृत हम कर सकेंगे ज्ञान के दायरे को और जितना व्यवहारिक बना पाएंगे, वह उतना ही उत्कृष्ट रूप में हम सबकी छवि को और हम सबको प्रस्तुत करने में सहायक होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100 वर्षों का एक जो एक 100 वर्षों का एक कालखंड है, यानी एक उपलब्धियों से भरा पड़ा है। याद रखना, अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन साथ साथ अपनी कमियों का भी मूल्यांकन समय समय पर करके उसका परिमार्जन करने की तैयारी करना। व्यक्ति, संस्था या समाज, उसके आदर्श क्या हैं, कौन हैं, ये उसके आगे की यात्रा तय करती है। और जब हम लोग इस सभागार में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभागार में आया, मैं ऊपर देख रहा था, संत तुलसीदास जी हैं, महर्षि भारद्वाज हैं, तारामीहर हैं, ऋषि कणाद हैं, सुश्रुत हैं, रामानुजम और आर्यभट्ट के चित्र यहां पर इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग अपनी ज्ञान की यात्रा को कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग ने जो अच्छे कार्य किए हैं। देश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई अपनी यादों को साझा किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के ही छात्र रहे हैं और फिर बाद में यहीं के प्रोफेसर का दायित्व भी निभाया है। बड़े बारीकी से अध्ययन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, एक छात्र के रूप में और एक अध्यापक के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश शासन का अंग बन के मैं विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी उच्च शिखरों पर पहुंचे। सरकार की तरफ से मैं कह सकता हूं कि वैसे तो आप अपनी बात तो रखेंगे, ये आज मांग का असर नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जेहन में ये बात जरूर है कि इस विश्वविद्यालय को जो भी आर्थिक उपलब्धियां की आवश्यकता होगी उसको कहने की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। और आर्थिक रूप में विश्वविद्यालय सुदृढ़ हो, विभिन्न योजनाओं के लिए इसे विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो सके, ये उनके अंतर मन में पहले से है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो उन सारी बातों पर समय विचार करके समय के अनुसार इसकी सहायता करने की ओर अग्रसरित होते रहे हैं और होते रहेंगे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। उद्घाटन के बाद समारोह की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई। इसमें लखनऊ के पारंपरिक तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय और लखनऊ के नवाब बग्गी में बैठकर विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करने निकल पड़े।
विश्वविद्यालय बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर कोई त्योहार हो। आलोक कुमार राय को भी इस बात की खुशी है कि वह ऐसे वक्त में एलयू के कुलपति बने हैं जब वह अपने 100 साल पूरे कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 साल पूरा कर रहा है, आज उसका उद्घाटन हो चुका है और देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो यहाँ पर बग्घी के साथ जा रहे हैं, जो लखनऊ का एक पारंपरिक तरीका है उसके साथ जा रहे हैं। आलोक राय जी हमारे साथ हैं। सर, आज शुरू हुआ है समारोह, बग्घी से पारंपरिक तरीके से जा रहे हैं आप? ये हेरिटेज वॉक है, ये उसका औपचारिक उद्घाटन है। नवाब साहब बैठे हुए हैं, तो दिस इज हाउ वी आर इनॉग्रेटिंग आवर हेरिटेज वॉक। नवाब साहब जी, 100 साल लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरे हुए हैं, आज पारंपरिक तरीके से आप बिल्कुल जा रहे हैं बग्घी से? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइस चांसलर साहब हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ लाल बारादरी के लिए आगे निकल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ का क्या इतिहास रहा है, काफी गौरवशाली रहा? देखिए, शाही दौर की यूनिवर्सिटी है, इसको नसीरुद्दीन हैदर बादशाह, जो के अवध के दूसरे बादशाह थे, उन्होंने ये बादशाह बाग बनाया था। लाल बारादरी उन्हीं के ज़माने की बनी हुई है। ये जो मस्जिद है, नहर है, मछली वाला फाटक है, ये उसी दौर का है। और ये इतनी लेजेंडरी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ से एक स्टूडेंट्स निकले हैं, जो के हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब यहाँ पढ़े भी थे, उन्होंने पढ़ाया भी था और यहाँ के प्रेसिडेंट भी हुआ। तो एक से एक बहुत अच्छी यहाँ की यूनिवर्सिटी है और आप तशरीफ ले आए हैं तो और बेहतर हो जाएगा। लगता है सर ये समारोह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है लखनऊ विश्वविद्यालय? बिल्कुल, हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना अच्छा, गिवन दी कंस्ट्रेंट दैट वी ऑपरेट इन, तो जितना इसको वैभवशाली और ऐतिहासिक बना सके उतना कर सके। तो लखनऊ के कुलपति हैं और नवाब साहब हैं, जो कि आज बग्घी के साथ पारंपरिक तरीके से लोग की लखनऊ की पहचान रही है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 100 साल पूरा हुआ है, उसको लेकर समारोह की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री जी आके गए और 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से एक उत्साह का माहौल है लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में, आप देख सकते हैं पूरा त्यौहार जैसा एक माहौल नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कितनी यहाँ पर, जिस तरीके से, हालांकि बहुत ज़्यादा अनुमति लोगों को नहीं है इस बार परिसर में आने की, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, कुछ ही लोगों को अनुमति मिली है। लेकिन जो शुरुआत है वो हेरिटेज वॉक के तरीके से है, हेरिटेज यानी कि लखनऊ का जो हेरिटेज है उसको दर्शाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कैमरा समीर के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे लखनऊ।